तेरे नाम के सांवरिया, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 23 का, जिसमें वैशाख शुक्ल द्वादशी का महत्व जानेंगे और साथ ही भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई गीता महात्म्य की पुण्य कथा सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ठ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री श्रुत देव जी कहते हैं, जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह तो समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो भी मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन पांच द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। हे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पा लेता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंश चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वह उसकी हितेशिनी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए।
जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीभा और कानों का उच्छेद हो गया, स्तन तथा उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगे। 150,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रख कर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आ गया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोगवश वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। हे प्रिय भक्तों, उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यग योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे वह कुतिया बोली कि हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली एक कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका यह वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा कि कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की एक कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, कृपया मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसीलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता,
वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, इसीलिए अपने पुष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले कि हे पुत्र, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबिनी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसीलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी है। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो सभी तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने मुझे गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, मैं गीता का और महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों की सदा ही प्रेम करता था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके सामने एक त्यागी संत प्रकट हो गए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे।
उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद देव शर्मा ने पूछा कि हे महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर गांव के लिए चला गया। समृद्धशाली सौपुर गांव में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठे हुए थे। उनके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर इकट्ठे हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े ही विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सभी को खा लेना चाहता था। मैं तो मृत्यु से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? फिर बाघ बकरी से बोला कि इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता, वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा कि हे श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इस मंदिर में ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा कि हे महात्मा,
मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। हे प्रिय भक्तों, सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध करके उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसीलिए हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। हे प्रिय भक्तों, श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु भक्तों। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उभारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया।
देवन को अमृत पान कराया, सुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खलिहीन चाया, उसी ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बल दाए, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाए सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव पहलाद उबारे, हिरणा कुशाधिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हर हूँ सकल संताप हमारे, कृपा करूँ हरि सृजन हारे, देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहताप का सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाए, हर्षित रहत परम गति पाए, दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान ले अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विने सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।